नमस्कार किसान साथियों, आइए देख लेते हैं महाराष्ट्र की प्याज की मंडियां सरकार ने खोलने का आदेश जारी किया है। कौन सी मंडी खुलेगी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना लॉकडाउन की वजह से लगातार 11 दिन की बंदी के बाद एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी को एक बार फिर खोल दिया गया है। इससे प्याज उत्पादक किसानों ने राहत की सांस ली है। यह मंडी नासिक जिले के लासल गाँव में स्थित है। इसे अप्रैल में 2 बार बंद किया जा चुका था। इससे किसानों को प्याज बेचने में प्रति क्विंटल 400 से 500 रुपए का नुकसान हो रहा था, क्योंकि सीधे किसानों के घर से प्याज खरीदने की वजह से व्यापारी उचित दाम नहीं दे रहे थे। इसलिए किसान बंद मंडियों को खोलने की मांग कर रहे थे। मंडी खुलने के बाद सोमवार को पहले दिन 1300 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल प्राइस रहा। पहले दिन यहाँ 4000 क्विंटल प्याज की आवक हुई है। लासलगांव मंडी में रोजाना 1 से 1500 किसान अपनी प्याज बेचने जाते हैं। मंडियों के खुलने के बाद किसानों को उम्मीद है कि उन्हें कम से कम 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक का रेट मिलेगा। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले जी ने बताया कि नासिक की पीपलगांव, बसवंत, नासिक, कलवण, चांदवड़, देवला, सठाणा, नामपुर, निफाड, विंचूर, येवला, मनमाड़, अबोणा एवं उमराणे मंडियों को भी खोल दिया गया है। अब किसानों को प्याज बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि मंडियों के खुलने के बाद उम्मीद है कि अब दाम ठीक रहेगा। फिलहाल प्याज का अभी जो दाम मिल रहा है वो किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। मंडियों को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। यहाँ आने वाले किसानों का कोविड टेस्ट जरूरी किया गया है। बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के मंडी में एंट्री नहीं है। यह टेस्ट कायदे से मंडी प्रबंधन को करवाना चाहिए, लेकिन मंडी अधिकारियों ने यह काम किसानों के जिम्मे कर दिया है। किसान खुद रैपिड टेस्ट करवा कर मंडी में जा रहे हैं। किसान पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लासलगांव मंडी में। इस बार कोरोना संकट में 2 बार बंद की जा चुकी है मंडी। इससे पहले 19 अप्रैल से 2 मई तक इसे बंद किया गया था। बीच में सिर्फ 26 मई को खोला गया था। इसके बाद 12 से 23 मई तक इसे बंद रखा गया था। मंडी बंद करने की वजह से 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल वाला प्याज 900 से 1000 रुपये के रेट पर बेचना पड़ रहा था। तो किसान साथियों, महाराष्ट्र की मंडियां तो खुल गई है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश की मंडियां बंद है। जैसे ही मंडियां खुलने की सूचना मिलती है, मंदसौर मंडी, जावरा मंडी, जो भी मध्य प्रदेश की मंडियां खुलने का आदेश जारी होता है, आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप